गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम लोग क्लास फोर में चैप्टर्स देखेंगे। सिक्स चैप्टर सिक्स में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स जो होता है किसी भी नंबर को अलग अलग करके खंड करके उसको लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए कि नंबर 12 है, 12 किससे किससे डिवाइड होगा एग्जैक्टली, इसका डिवाइडर जो है 0 होना चाहिए। मान लीजिए 12 डिवाइड होता है 4 से, ये 3 टाइम्स में कटेगा आपका, और 3 जा3 फैक्टर ऑफ 12। हम लोग देखते हैं 3 और 4 जो है दोनों फैक्टर कहलाते हैं, इसका 12 फैक्टर कहलाते हैं, है ना। तो ये दोनों एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, डिवाइडर इसका 0 होगा। इस तरह से हम फैक्टर्स के बारे में आगे और जानते हैं। देखते हैं फैक्टर जो होता है, जब किसी भी नंबर को नंबर डिवाइड अदर नंबर्स दूसरे नंबर को अदर नंबर एग्जैक्टली पूरी पूरी डिवाइड करता है, टोटली डिवाइड हो जाता है वो, मेंटर जब 0 आता है तो वो क्या कहता है डिविडेंड का, वो डिवाइडर जो है डिविडेंड का फैक्टर कहता है। जैसे मान लीजिए बताया था हमने, ये आपका डिवाइडर है ना, ये आपका क्वोशेंट है, ये इसका डिविडेंड है, डिविडेंड हो गया, और ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। ये रिमाइंडर हो गया तो एग्जैक्टली जो है डिवाइड हो जाता है, क्या हो जाता है देन द डिवाइजर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द डिविडेंड, ठीक है। आगे आओ सर, कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर जो है डिवाइड करता है दूसरे नंबर से, ये नंबर 12 है और से डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो डिवाइजर जो है आपका डिवाइजर 4, वो आपका डिविडेंड का 12 का वो फैक्टर करता है ना। तो इस जगह पे इसको भी रख सकते हैं, 3 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 टाइम्स में 3 भी आपका डिवाइजर डिवाइजर है, ये भी इसका फैक्टर हो, यानी कि 3 और 4 इज फैक्टर ऑफ 12। इस तरह से इसको अलग करके डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड मतलब अलग करना, और इस तरह से लोग फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। तो एक और देखते हैं फैक्टर बना रखते हैं, जैसे मान लीजिए 48 का फैक्टर बना रहे, ऐसे इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। 2 से 24 पूजा कटेगा, 12 पूजा कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, है ना। इस तरह से हम देखते हैं 48 का फैक्टर कौन कौन सा, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हो गया, 4 भी होगा आपको, है ना। 12 फोर जब
48 होता है 5 में होगा 6 होगा 6 से 48 होगा यहां पे है ना 7 में होगा फिर और नंबर 8 होगा है ना 6 से 48 फिर 9 में होगा 10 12 हो जाएगा है ना तीसरा से 16 हो जाएगा 24 हो जाएगा सबसे डिवाइड हो जाएगा और 48 हो जाएगा ठीक है ये आपका 48 का फैक्टर सम निकल गया सर सर लोग ऐसे ही फैक्टर निकाल सकते हैं और बीच बीच में डिवाइड करके देख लेंगे इस नंबर से डिवाइड होता है जब डिवाइड हो जाएगा तो इसका फैक्टर कर लेंगे ये इतना सरल जो है 48 का फैक्टर से और भी क्वेश्चन नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं इस तरह से ये प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं ठीक है तो यही है आपका ये क्वेश्चन और थर्ड है कि 11 जो है ये फैक्टर ऑफ 1034 का फैक्टर है लेकिन ये 1034 फैक्टर है लेकिन तो ये हम डिवाइड करके देखेंगे लेवल से 1034 को है ना लेवल से 9 का 99 रह जाएगा यूनिट टेन का 110 ज़्यादा हो जाएगा ना 99 का 99 में 4 9 में से 10 कर करके 4 आपके यहाँ पे उतरेगा 11 4 का 44 करके यानी कि ये आपका डिविजिबल है ये ठीक कटेगा है ना 94 से 34 कट जाएगा है ना ये विभाजक है 11 और इसका इसका फैक्टर है क्योंकि ये जो है जटिल डिवाइड है जिमेंटल इसका जीरो है जटिल डिवाइड इस तरह से हम लोग इसका निकालेंगे किसी भी नंबर को चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे डिवाइड करके जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो जिसका फैक्टर कहलाएगा डिफरेंस जो है डिवाइड का फैक्टर कहलाएगा मान लीजिए 15 है 15 को 4 से डिवाइड करते हैं नहीं करेंगे है ना ये मतलब आता 3 बच गया इसका मतलब क्या वो 15 जो है नॉट डिविजिबल बाय ये इसका फैक्टर नहीं कर रहा ठीक है तो 4 जो है 15 का फैक्टर आपका नहीं कर रहा क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है रिमाइंडर आपका यहाँ पे 3 बच रहा है ना रिमाइंडर जो है आपका 3 बचे तो डिवाइड नहीं हो रहा पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है रिमाइंडर बच रहा है इसलिए इसका फैक्टर नहीं कर रहा ठीक है इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं और होमवर्क का दे सकते हैं होमवर्क को देखिए अपना हो गया 19 ठीक है 19 बनाइएगा इसके बाद लोग चलेंगे नेक्स्ट मल्टीपुल्स आई मीन मल्टीपुल्स में चलेंगे फैक्टर्स के बाद मल्टीपुल्स में चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर इसका नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे ठीक है ओके okay.